तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मौज काट रहे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिडक्स क्या होता है, रिडक्स का हम क्यों यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ओनली रिडक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम रिडक्स का प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। तो आज थोड़ा क्लियर कर ही लेते हैं कि रिडक्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको रिडक्स को देसी भाषा के अंदर समझाऊं तो ऐसा समझ सकते हो कि रिडक्स एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर रहता है। अब आप इसको रिलेट कर रहे होंगे डेटाबेस से, लेकिन ये कोई डेटाबेस नहीं। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक बड़ा सा एरे जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। तो आपको डाउट आ रहा होगा, क्या इसका यूज बैक एंड के अंदर होता है? नहीं गाइज, इसका यूज फ्रंट एंड के अंदर ही होता है। आप रिएक्ट के साथ या फिर व्यू एंगुलर के साथ इसका यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर यूज इसका रिएक्ट जेएस के साथ ही करा। बेसिकली इसका हम यूज करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि इसका हम यूज क्यों करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम रखा है, इसमें टॉप पे अपना app.js रखा हुआ है और इसमें नीचे कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। अब मान लो कि जो लास्ट कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है और उस डेटा को मुझे पास करना है किसी पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर। तो अब आप मुझे बताओ कि ये चीज मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्ट में जो डेटा फ्लो चलता है वो यूनिडायरेक्शनल में चलता है, मतलब कि पेरेंट टू चाइल्ड चलता है, बट चाइल्ड टू पेरेंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API और प्रोप ड्रिलिंग से, लेकिन उनसे बेटर हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिडक्स, और ये इस प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से सोल्व कर देती है। तो रिडक्स में क्या होता है, एक रिडक्स स्टोर होगा और अपने डेटा को रिडक्स स्टोर के अंदर स्टोर करके रखा जाएगा। अब जिस कंपोनेंट को डेटा लेना है वो डायरेक्ट रिडक्स स्टोर को कॉल करेगा और डेटा को गेट कर लेगा, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन, और इससे स्टेट मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग रिडक्स की डेफिनेशन देख सकते हो, तो इसमें लिखा है Redux is an open source JavaScript library for managing and centralizing application state. It is most commonly used with the libraries such as React or Angular for building user interface. कुल मिला के आपको बताऊं तो ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो क्या करती है, एप्लीकेशन का स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए काम में आती है। अब रिडक्स में कुछ मोस्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट है एक्शन। एक्शन मींस क्या करना है, सिंपल सा बताऊं तो मान लो कि मैंने एक बटन बनाया, उस पे क्लिक करने पे क्या करना है। सेकंड इज रिड्यूसर। रिड्यूसर मींस किसी टास्क को किस तरीके से करना है। थर्ड इज स्टोर, जिसमें डेटा स्टोर रहता है। फोर्थ इज फंक्शन एसोसिएटेड विद स्टोर, मतलब कि वो फंक्शन जैसे कि हम स्टोर को क्रिएट करेंगे, एक्शन को डिस्पैच करेंगे, करंट स्टेट को कैसे गेट करा जाएगा, वो सारी चीजें। टेंशन मतलब आगे मैं सब बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, अभी के लिए मैं चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर इतना भी समझ में आ गया कि रिडक्स क्या है तो ब्रिलियंट। सो अब कमिंग वीडियोस के अंदर एक एक चीज को जो भी मैंने यहाँ पे बताई है उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। सो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।